हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम करते हैं आपको अपने इस नए व्लॉग में। तो पहले हम जाते हैं कोचिंग, अभी बजे हैं 6:30। फिर हम कोचिंग के बाद उस जगह जाएंगे जहां मैं भी खुद एक्साइटेड हूं वहां जाने के लिए। तो अभी पहले होते हैं फ्रेश और करते हैं ब्रेकफास्ट। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए और मिलते हैं आगे। 15 minutes later. तो गाइज, आज मौसम है सुहाना और हमें कुछ व्लॉग है अच्छा बनाना। तो आज के व्लॉग में इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और मिलते हैं आगे। यह है शोपियान का जामा मस्जिद, आप लोग देख सकते हैं। गाइस, यह है शोपियान का क्लॉक टावर, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा ये बना है। अभी हाल ही में ये तैयार हुआ है। Later. Finally guys, हम लोग पहुंच गए हैं वहां जहां मैं खुद एक्साइटेड था। और मैंने फैजान को बोला था आप सब जगह एक्सप्लोर करो और ये जगह मैं खुद एक्सप्लोर करता हूं। और फैजान भाई ने ये किया है और आप लोग देख सकते हो इसका नज़ारा। आप लोग खुद भी देख सकते हो कैसा मस्त व्यू आ रहा है। और अभी हम शोपियान के इलाके हेलीपैड में हैं। तो पहले देखिए यहाँ का व्यू, तो मिलते हैं अब आगे। तब तक के लिए बाय। Thank you.
तो फैजान आप क्या कहना चाहते हो यहाँ की सफाई के बारे में? अभी तो आप रूठे थे मुझसे, अब क्या कहना चाहते हो अपने ऑडियंस को? अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ आता था पहले, आज से पहले 2 साल, तो यहाँ पर सफाई अच्छी होती थी, बट पता नहीं आज क्या हालत हो गई इस पार्क की। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर पूरा ये ख़राब हो गई थी पार्क। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पर आओगे आगे इंशाल्लाह, तो प्लीज़ यहाँ पर सफाई का ख्याल रखा करो, या कहीं भी किसी और जगह पे जाओ तो वहाँ पर भी सफाई का ख्याल रखा करो, क्योंकि ये हमारी कश्मीर की शान है। तो अभी आप देखिए आगे का व्यू, क्योंकि इरशाद भाई ने लाई है ड्यू, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो मिलते हैं आपको आगे, तब तक देखते रहिए व्यू। कहते हैं आपको ये पहाड़ों का नज़ारा पसंद आया होगा, और यहाँ आया करो, यहाँ पर फोटो शूट अच्छा होता है। और हम अब करते हैं फोटो शूट, और वीडियो के साथ बने रहिए, और मिलते हैं आगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय। 15 मिनट्स लेटर हम निकलते हैं अब शॉपिंग की तरफ, और बने रहिए वीडियो के साथ, और मिलते हैं आपको आगे। Moments later. गाइस हम पहुंच गए हैं शोपियान, और सीधे आ गए फैजान भाई के स्कूल के पास, और फैजान भाई इमोशनल हो गए, और इसको बचपन की के दिन वो याद आ रहे हैं। और फैजान भाई क्या कहना चाहते हो अपने ऑडियंस को?
प्यार सुकून के साथ बहुत यादें जुड़ी हुई है। यहाँ पर खेलते थे, इस जगह पे हम खेलते थे, हम पांच दोस्त थे बहुत सारा, क्योंकि आज एक साल के बाद यहाँ आ गए, बहुत सारी यादें जुड़ी है इस स्कूल के साथ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप लोग समझ सकते हो फैजान भाई की हालत। तो गाइस आ गया है टाइम इस व्लॉग को एंड करने का। अगर हमारा ये व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब और मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह।